What's up guys, welcome to Kurashi Fitness, Pakistan ka first fitness YouTube channel jo ki aapko complete guideline deta hai ki kaise aap apni body ko transform kar sakte hain, body bana sakte hain. So guys, jo log hamare channel pe new viewer hain, please hamare channel ko subscribe karein aur bell icon button ko press karein jisse ki hum connected reh saken. Hey guys, what's up, welcome back to Kurashi Fitness. Aaj ki hamari video ka topic bahut zyada khaas hai. Bahut zyada research ke baad, extensive research ke baad ye main video karne ja raha hu. और इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपसे भी रिलेट करती है, बहुत ज़्यादा लोगों से 90% लोगों से रिलेट करती है जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि मैं किसी किस्म के कोई भी स्टीरॉयड को एंडोर्स नहीं करता हूँ, किसी भी स्टीरॉयड को रिकमेंड नहीं करता हूँ. मैं हर सूरत इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ. आज का वीडियो भी सिर्फ स्टीरॉयड के रिएक्शन से होने वाली प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के ऊपर मैंने चूज़ किया है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट गायनोकोमेस्टिया. गायनोकोमेस्टिया क्या है, गायनोकोमेस्टिया को कैसे क्योर किया जा सकता है, गायनोकोमेस्टिया किन किन रीज़न से होता है, गायनोकोमेस्टिया क्यों होता है और सही टाइम क्या है अगर आप कोई स्टीरॉयड यूज़ करके इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं इसको ठीक करने का, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा. तो सबसे पहले हम गायनोकोमेस्टिया की बात कर लें. गायनोकोमेस्टिया है क्या, हम यहाँ पे नेचुरल गायनोकोमेस्टिया की बात नहीं करेंगे जिन लोगों को कुदरती है. हम यहाँ पे बात करेंगे वो लोग जो लोग एनाबॉलिक ड्रग का यूज़ करते हैं और स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं इन बॉडी बिल्डिंग और उन्हें गायनोकोमेस्टिया हो गया बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, हमारी बॉडी जो है हार्मोन्स पे काम करती है, हार्मोन्स ही डिफाइन करते हैं हमारी फीमेल या मेल होना. तो हमारी बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ होगा, वन थिंग. अब यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा लोग स्टीरॉयड का यूज़ कर रहे हैं, हार्मोन्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी फिज़िक को बनाने के लिए. मैं हर सूरत आपको मना करता हूँ कि आपने स्टीरॉयड यूज़ नहीं करने हैं अनटिल अनलेस आपका प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग नहीं है, आपने स्टेज पे जाके कम्पीट करना है तो आपका घर चलना है, फिर तो स्टीरॉयड आप यूज़ करें, ये आपका अपना ओपिनियन है. अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो स्टीरॉयड यूज़ करें, अगर वो कर रहा है तो अभी इसी वक्त छोड़ दे. तो बात शुरू होती है गायनोकोमेस्टिया की. इस पर मुझे वीडियो करने की ज़रूरत क्यों फील हुई, बिकॉज़ मैंने कुछ लोगों पर गायनोकोमेस्टिया कुछ लोगों को होते हुए देखा और वो मेरे पास इस कंप्लेन को लेकर आए, तो उनकी कंप्लेन रिजॉल्व हुई अल्लाह के शुक्र से. मैंने इस पर रिसर्च की और किस किस तरह से ये काम करता है ये सारा चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा. बिकॉज़ यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा क्रैप भरा पड़ा है, यूट्यूब पे कोई भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. अगर किसी को गायनोकोमेस्टिया हुआ है थ्रू हार्मोनल यूजेज, तो वो बाहर से इंजेक्टेबल हार्मोन के यूज़ करने से, तो वो साले उन्हें बेकार सी एक्सरसाइजेस बता रहे हैं और एक्सरसाइज से उनका गायनोकोमेस्टिया ख़त्म कर रहे हैं, इस तरह से लोग कह रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपको गायनोकोमेस्टिया हो गया तो आपने अपने हार्मोन को बैलेंस करना है, ये चीज़ आपको माइंड में लेकर चलना है. तो गायनोकोमेस्टिया है क्या, गायनोकोमेस्टिया मेल में होने वाली एक प्रॉब्लम है, मैन बूब्स, उनके निप्पल के पीछे एक मेमोरी ग्लैंड होता है जो कि फीमेल हार्मोन के बॉडी में भर जाने से एक्टिवेट हो जाता है, ग्रो करने लग जाता है. फीमेल हार्मोन इज़ एस्ट्रोजन. तो आज हम बात करेंगे कि गायनोकोमेस्टिया किन तरीकों से होता है, के होने की तीन वजह क्या हैं और उन्हें इन तीनों वजहों को कैसे आप क्योर कर सकते हैं. देखा गाइस, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पर कोई मेडिकेशन सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, रिसर्च जो कहती है वो आपके साथ शेयर करूँगा. और किसी भी, अगर आप डॉक्टर के साथ जाके ये बात करते हैं कि आपको गायनोकोमेस्टिया हो गया तो आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो वो कहेगा स्टीरॉयड यूज़ किया, वो तो प्रोटीन को भी कुछ डॉक्टर स्टीरॉयड कह देते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपना काम गलत करें, अपना काम अपनी फील्ड में वो बहुत माहिर है. किसी सर्जन के पास जाएंगे तो वो सर्जरी के साथ आपको एंटीबायोटिक बताएगा. आप सर्जन के पास जाके आप अगर हार्मोन्स का पूछने लग जाएंगे तो उसे नॉलेज नहीं है, वो इधर उधर की ही बातें करेगा. हार्मोन के लिए आपको अच्छे एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट को ढूंढना होगा जो कि हार्मोन पे जिसने स्टडी की हो. सो फीमेल हार्मोन बॉडी में भरने से आपको गायनोकोमेस्टिया होता है. फीमेल हार्मोन क्यों भरता है, जब बॉडी बिल्डर बाहर से टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं, हम उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है, एक एंजाइम होता है बॉडी में अरोमेटेज, उसके साथ टेस्टोस्टेरोन केमिकल रिएक्शन करके आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन
टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा थ्रू केमिकल रिएक्शन एरोमेटेज एंजाइम। तो एरोमेटेज एंजाइम की वजह से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ने से आपका फीमेल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, आपका फीमेल हार्मोन ज़्यादा हो गया। बिकॉज गाइज आपकी बॉडी ये बिल्कुल नहीं समझती कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी बॉडी वर्क करेगी आपके हार्मोन्स पे, हार्मोन्स ही आपके करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। इट मीन्स आप अगर मेल हैं तो आप में मेल हार्मोन ज़्यादा होगा और आपकी ग्रोथ होते प्यूबर्टी होते होते आप जवान होंगे, आपकी मूंछ आएगी। अगर आप फीमेल हैं आप में प्यूबर्टी की आ जाएगी, एस्ट्रोजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगी, ब्रेस्ट बड़े होंगे, इसी तरह से फीमेल करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होंगे। तो एस्ट्रोजन के थ्रू गाइनोकोमेस्टिया होता है थ्रू यूज़ ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब आपको एस्ट्रोजन की वजह से गाइनोकोमेस्टिया हो गया, इसकी सोल्यूशन क्या है? और इसके दो और मेथड भी हैं, दो और रीजंस भी हैं जिनसे गाइनोकोमेस्टिया होता है। टेस्टोस्टेरोन को हटा के अब बात कर लेते हैं मोस्टर ड्रग ट्रेम्बोलान, ट्रेन भी जिसे कहते हैं, डेका, MPP, ये वो ड्रग्स हैं जो आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा कर देते हैं, जिसके जो आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने से आपका मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हुआ जो निपल के पीछे ग्लैंड है और उसकी लार्जमेंट शुरू हो गई। अब ये यूज़ करने से ट्रेम्बोलान, डेका और MPP से होता है ये प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन क्या है? ये भी हार्मोन है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है when female have baby, तो उनका जो मिल्क लैक्टेट होता है वो थ्रू प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है और ब्रेस्ट लार्जमेंट भी हो जाती है। सेम चीज़ मेल में भी होने लग जाती है जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसको कैसे आपने ठीक करना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इस हार्मोन के ज़्यादा होने से वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, वो ग्रो करने लग जाता है और कभी कभी वो लैक्टेट करने लगता है और उसमें से बड़ा स्मेली सा लिक्विड बाहर आता है। ये हो गई सेकंड बात। अब थर्ड प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको गाइनोकोमेस्टिया हो सकता है, यूज़ ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा HGH सिक्रेशन हो रही है या आप बाहर से इंजेक्टेबल ठोके जा रहे हैं अपने बॉडी बिल्डिंग में रिजल्ट अच्छे लेने के लिए, तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बढ़ जाएगा जो कि फीमेल और मेल दोनों में होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन फीमेल मेल में दोनों ही, एस्ट्रोजन भी मेल में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन फीमेल में पाया जाता है, बट उनकी क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है जब आप बाहर से हार्मोन डालते हैं। आपकी बॉडी समझ नहीं पाती मुझे कौन से हार्मोन पे कितना काम करना है, कौन सा हार्मोन ज़्यादा बनाना है, कम बनाना है, कंट्रोल करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड कन्फ्यूज़ हो जाता है जो सारे हार्मोन को फीमेल बॉडी या मेल बॉडी में हैंडल करता है। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन बढ़ने से भी आपका मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होगा, गाइनोकोमेस्टिया एक्टिव होगा। यहाँ पे चेस्ट फैट की बात नहीं हो रही, सिर्फ आपको गाइनोकोमेस्टिया जो आपके निप्पल के नीचे आपको लंप फील होने लगता है और वो पेन करता है उसकी बात हो रही है। अब ये तो हो गए तीन तरीके, अब इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं और किस टाइम पे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बात कर दूं आपका एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होने से एरोमेटेज एंजाइम के साथ टेस्टोस्टेरोन के रिएक्शन करके जो एस्ट्रोजन बढ़ा है उससे अगर आपको गाइनोकोमेस्टिया है, तो ये अगर आप इसे ठीक टाइम पे पकड़ेंगे तो रिवर्सेबल है, अगर बहुत ज़्यादा देर कर दी तो ये रिवर्सेबल नहीं है। फर्स्ट आपको अपने हार्मोन को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए जो बहुत ज़्यादा मशहूर चीज़ इस्तेमाल की जाती है लेट्राजोल, फेमेरा भी इसे बोलते हैं, नोल्वाडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी यूज़ की जाती है। रेमेडेक्स आपके उस एंजाइम को ही मार देती है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। और यहीं पे लेट्राजोल भी बहुत फेमस है जिसे आप फेमेरा भी के नाम से भी जानते हैं, वो रिवर्स कर देती है गायनो को इफ़ अगर गायनो आपका 15-20 दिन का है मैक्सिमम और आपको फील होने लगा है। और ये आपको पता कैसे चलेगा आपको गायनो हो रहा है? आपको सेंसेशन होगी, आपको पेन फील होगी, सेंसिटिवनेस होगी आपके निपल में। अब आपको पता कैसे लगेगा आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा है या फिर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है? इसके लिए आपको ब्लड वर्क करना होगा जो कि कोई रिकमेंड नहीं करता। अगर आप बहुत अच्छी डाइट प्लान ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने कम्पीट करने पे, शो पे, बॉडी बिल्डिंग खेलने पे, तो थोड़े से पैसे 2,500 टेस्ट पे भी लगा दें, ब्लड वर्क भी करवा लें। इसके लिए आपको हार्मोन का टेस्ट कौन कौन सा करवाना है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैंने PCT कर ली, PCT पोस्ट साइकिल थेरेपी कर ली, मेरी बॉडी में अब गाइनो नहीं होगा। गाइनो की काज ही डिफरेंट है।
और अगर आप जाके अपने कोच से बात करते हैं कि आपने मुझे क्या चीज़ इस्तेमाल कराई जिसके थ्रू मुझे गायनो हो गया, तो वो कहेगा मैंने सारी ज़िंदगी की, मुझे तो नहीं हुआ। हर बॉडी हर लिहाज से अलग अलग काम करती है, किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करके भी PCT की रिक्वायरमेंट नहीं रहती और वो रिकवर कर जाते हैं, और किसी को थोड़ा सा स्टफ़ यूज़ करके, थोड़ा सा एनाबॉलिक्स यूज़ करके साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। थोड़ा इस्तेमाल करें या ज़्यादा करें, गलत चीज़ गलत है। तो फर्स्ट, एस्ट्रोजन को आपने कैसे, नोल्वाडेक्स रोमेटेज एंजाइम को रोकने के लिए नोल्वाडेक्स का यूज़ करेंगे, लेट्राजोल का करेंगे, रोमिडेक्स का करेंगे यूज़। सेकंड, अब अगर आपको प्रोलैक्टिन की वजह से गाइनोकोमेस्टिया हुआ है और आपका मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, ब्रेस्ट ग्लैंड एक्टिवेट हो गया मेल्स में, तो आपको यहाँ पे केबर करके एक टेबलेट आती है, केबर गुलीन पूरा नाम है वो, या फिर ब्रोमोक्रिप्टाइन, ये दोनों ड्रग्स में से किसी एक का यूज़ करना होगा। अब केबर को आप वंस अ डे यूज़ कर सकते हैं, इट्स एक्सपेंसिव, ये आपको काफ़ी महंगी मिलेगी और इजीली अवेलेबल भी नहीं है, आपको ऑनलाइन बाय करनी पड़ेगी। और जहाँ पे ब्रोमोक्रिप्टिन की बात करें, एक तो चीप है और हर केमिस्ट शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। ब्रोमोक्रिप्टिन का आप हाफ पिल ट्वाइस अ डे दिन में दो दफ़ा लेंगे और केबर आप दिन में एक दफ़ा लेंगे। ये सेकंड मेथड था इसको कैसे क्योर करना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड मेथड, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की वजह से अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया तो प्रोविरोन बहुत फेमस है, प्रोविरोन का आप यूज़ करेंगे, केबर गुलीन का यूज़ कर सकते हैं। और एक स्टडी में, एक रिसर्च में, और बहुत ज़्यादा लोगों पर टेस्ट करके ये पाया गया है कि प्रोजेस्टेरोन कम हुआ है प्रोविरोन को कंबाइन करके विनस्टोल के साथ। विनस्टोल जो बेसिकली एनाबॉलिक स्टीरॉयड है आपके मसल को हार्ड करने के लिए और फैट को काटने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं लास्ट टाइम ऑफ कंपटीशन पे। तो इस तरह से आप क्योर कर सकते हैं। सो ये थी मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन गाइनोकोमेस्टिया के बारे में। अगर आपको लास्ट दो प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन की वजह से गाइनोकोमेस्टिया, तो ये रिवर्सेबल है, इट कैन बी रिवर्सेबल विद इन 2 or 3 months, बिकॉज ये हार्मोन आपकी बॉडी में बनना बंद हुए तो आपका वो ग्लैंड छोटा होने लग जाएगा। अगर एस्ट्रोजन से आपको आपका मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हुआ और आपने टाइम से उसे नहीं पकड़ा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, देन आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब सर्जरी के लिए कौन कौन लोग जाएं, जिन लोगों ने ये चीज़ें चेक कर ली हैं उसके बाद भी वो सर्जरी उनका कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा तो वो सर्जरी के लिए जाएंगे। यहाँ पे मैं किसी को भी ये डोज़ रिकमेंड नहीं करता कि आपने कितनी डोज़ इनटेक करनी है, बिकॉज ये एक जनरल मैंने आइडिया बता दिया कि आपने इतनी डोज़ इस्तेमाल करनी है, और डिफरेंट बॉडी वेट के लोगों के डिफरेंट मसल मेमोरी होती है, डिफरेंट उनका एक्सपीरियंस होता है बॉडी बिल्डिंग में, और उन्होंने हर बंदे ने सेम क्वांटिटी में एनाबॉलिक स्टीरॉयड का यूज़ नहीं किया होता, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह करके ले सकता है। तो अब मैंने ठान लिया मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको होल फिटनेस के इर्द गिर्द का सारे एरिया को कवर करूँगा, जिसमें आपके एनाबॉलिक्स भी आते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी एनाबॉलिक्स का फ़ायदा नहीं बताऊँगा, स्टीरॉयड इसके साइड इफ़ेक्ट को कैसे क्योर कर सकते हैं और उन्हें छोड़ कैसे सकते हैं, इस बारे में बात करूँगा। तो ये थी मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, किसी को भी मैंने गलत साबित करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई, जो इन्फॉर्मेशन मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है वही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर जाऊँ, किसी के फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसी ही वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।